नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नीरज। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज काफी सुहावना बना हुआ है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड के बीच दिन में धूप खिले होने से तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन वहीं पहाड़ों में पल पल बदलते मौसम के बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने नया मौसम बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आने वाले दो दिनों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बरसात के साथ साथ बर्फबारी होने की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही राज्य के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 अक्टूबर को राज्य के पहाड़ी जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की और हल्की बरसात के साथ ही बर्फबारी होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ स्थानों में हल्की से बहुत हल्की बरसात होने का अनुमान जताया है और अन्य जनपदों में मौसम साफ बना रहने वाला है। वहीं फिर मौसम विभाग ने 21 और 22 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। तो मौसम से जुड़ी इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।